पाकिस्तान और चीन को एक बार फिर भारत ने तगड़ा झटका दिया है। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने जनवरी में मुंबई के नावा शेवा पोर्ट पर चीन से कराची जा रही एक जहाज को रोका था। आशंका थी कि इस शिप में वो मटेरियल है जिनका इस्तेमाल परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता था। कस्टम अधिकारियों ने 23 जनवरी को कराची के रस्ते में माल्टा फ्लैग मर्चेंट शिप CMA CGM एटिला को रोक लिया था। कमर्शियल कंसाइनमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। एक माल्टा फ्लैग्ड मर्चेंट शिप थी, चाइना से एक ट्रेड शिप जो है वो पाकिस्तान कराची पोर्ट पर आ रहा था, लेकिन इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उसको रोका और उसको बॉम्बे पोर्ट पर ले गए। चाइना से एक शिप जा रहा था पाकिस्तान, कहा जा रहा है इस शिप में न्यूक्लियर फिसाइल मटेरियल था या न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के कुछ कंपोनेंट्स थे। किसी भी देश में पुलिस स्टेशन सबसे ज्यादा सेफ एरिया माने जाते हैं। यहाँ पर आम जनता जो है वो आसानी से की रीच है, आम जनता आसानी से पहुंच सकते हैं। मगर पाकिस्तान की बात करें तो वहां पर खास तौर पर बलूचिस्तान में, KPK में और अब तो सिंध में भी ये चीज चालू हो गई कि पुलिस स्टेशन जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। वहां पर भी कब कौन आके बम फेंक के चला जाए। अगर मैं आपको सिर्फ पिछले एक साल का आंकड़ा बताऊं ना, सिर्फ पिछले एक साल का आंकड़ा यानी कि पिछले फरवरी से इस फरवरी तक का, तो उसमें लगभग 60 से ज्यादा ऐसी पुलिस थाने चौकियां हैं जिनके ऊपर में बड़ा अटैक हुआ। ऐसा अटैक कि बिल्कुल उनकी बिल्डिंग ढह गई, इतना खतरनाक अटैक है। वो सब छोड़िए, कराची का जो इनका मेन पुलिस हेडक्वार्टर था जो कि पूरे पाकिस्तान में सेकेंड लार्जेस्ट माना जाता है, वहां पर आपको याद होगा 6 महीने पहले, लगभग 6-7 महीने पहले BLA वाले घुस गए थे और खूब 2 घंटे तक फायरिंग चलती रही है, सब कुछ बवाल चला। इतनी ज्यादा पावर जो है वो BLA TTP की हो गई है कि अब पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं है, जो है फौज भी सुरक्षित नहीं, कोई भी इनसे बच नहीं सकता, इतने ज्यादा खौफनाक खूंखार वो हो। भारत भी समझौते का हिस्सा है। गौरतलब है कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम में CNC मशीनों का इस्तेमाल करता है। आगे की जांच में शिपिंग में कुछ गड़बड़ी भी सामने आई जिसमें एक रिसीवर को छिपाने की कोशिश की गई थी। चीन लगातार पाकिस्तान को सैन्य उपकरणों समेत कथित रूप से हथियारों को विकसित करने और अत्याधुनिक बनाने में पाकिस्तान का सहयोग कर रहा है। अक्सर चीन सैन्य इस्तेमाल के लिए उपकरणों का ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान को करता है। वहीं भारतीय सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस शिपिंग के रिसीवर कहीं रक्षा विज्ञान और टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं जुड़ा और इसे पाकिस्तान के सियालकोट स्थित पाकिस्तान विंग्स प्राइवेट लिमिटेड को भेजा जा रहा था। वहीं आगे की जांच से पता चला कि ये खेप ताइवान माइनिंग इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड द्वारा पाकिस्तान के कॉस्मोस इंजीनियरिंग को भेजा जा रहा था। हालांकि एक बात जो साफ हो गई वो ये कि पाकिस्तान और चीन मिलकर कुछ बड़ा करने की साजिश में थी। हालांकि भारत ने एक बार फिर उनकी हरकत पर पानी फेर दिया। भारत कुछ न कुछ इंटरनेशनल वाटर्स में ऐसा कर रहा है जो कि ऑब्वियसली दैट इज कंसर्निंग फॉर पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान की खामोशी और साइलेंस की मुझे समझ नहीं आई। और अभी हुआ ये है कि एक डेवलपमेंट हुई है जिसमें एक कहा जा रहा है कि एक कंसाइनमेंट थी, कमर्शियल कंसाइनमेंट जो कि चाइना से पाकिस्तान जा रही थी और इंडियन कमर्शियल जो कस्टम ऑफिशियल्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट किया। और ये इंडिया कहता है कि ये जो हमारी इंस्पेक्शन थी इसका मकसद ये है कि जो इल्लीगल ट्रांसफ़र ऑफ डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान है। अब इसका मतलब ये है व्हाट इज़ बेसिकली देयर सेइंग। मैंने मेरा मास्टर्स न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में है तो थोड़ी सी मुझे इसकी समझ है। अब वो कहते हैं जी इलीगल ट्रांसफ़र है डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम्स टू पाकिस्तान, इसमें क्या हो सकता है? चाइना और पाकिस्तान जो मर्जी ट्रेड करें, क्या किसी सेकंड कंट्री को इसके हवाले से क्या? आपको पता है इंडिया न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन यह है कि क्या इंडिया जो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं इन टर्म्स ऑफ UNSC 1540 और इस तरह के बहुत सारे ऐसे UN चार्टर के अंदर ऐसे UN के अंदर ऐसे रेजोल्यूशंस हैं जहां पे जो प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। मैं तो यही कहूंगा कि जो इंडियन मीडिया वो एक प्रोपेगेंडा मशीन है और इसके कई बार हमने सबूत भी देखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब ये 26 फरवरी हुई थी तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने ड्रोन स्ट्राइक्स किए हैं और काफ़ी एक कंपाउंड उड़ाया है मिलिटेंट्स का, तो बाद में पता चला कि वो चंद हमारे दरख्त ही शहीद हुए थे। और इस तरह की जो खबरें हैं ये इंडिया
बारहा ये अपने मीडिया के थ्रू ये दुनिया में फैलाता रहा है कि जी पाकिस्तान ये एक बैंड टेक्नोलॉजीज और इस तरह की कार्रवाइयों में मुलविस है, जबकि जब हकायक देखे जाते हैं तो उसमें इस तरह की कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती। यूरोपियन यूनियन जो है वो सबसे पहले तो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना चाहेगी कि वाकई इसमें कोई सदाकत है या नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये पाकिस्तान को एक मेलाइन करने की एक नाकाम सी कोशिश है, जो कि आप देखेंगे कि बहुत जल्द मीडिया पर इसके आ जाएगा कि ये बेसलेस एलिगेशन था और इसके अलावा कुछ नहीं था। क्वेश्चन इज कि इंडिया कैसे डिसाइड कर सकता है कि फॉर एग्जांपल जी एक डुअल यूज मिलिट्री ग्रेड आइटम है तो इसको हमने रोकना और इसको हमने नहीं रोकना, और जबकि वो दो न्यूक्लियर ममालिक, दो ऐसे ममालिक जो कि इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने वाले हैं, अगर वो आपस में एक कंसाइनमेंट भेज रहे हैं तो हाउ कैन दे डू इट। अब ये जी इंडियंस कहते हैं जी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस हमें रिसीव हुई और हमने जब स्कैनिंग की ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स जब हमें देखे आए जो डॉक्यूमेंट्स थे उसमें जो कंसाइनर था जिसने कंसाइनमेंट भेजी है वो शंघाई ग्लोबल लॉजिस्टिक्स। सर चाइना तो कुछ भी बोल सकता है, अब चाइना के बोलने पे हम लोग क्या ही कह सकते हैं, ठीक है ना। बट अब अगर उनका ये क्लेम है कि कोई शिप फ्रॉम चाइना टू पाकिस्तान स्टॉप्ड एट मुंबई, तो ये एक फैक्चुअल इंक्वायरी का मुद्दा है कि उसमें क्या क्या चीज़ें थी, और फिर जो कस्टम्स ऑफिशियल ने किया होगा वो किसी इंटेलिजेंस इनपुट पे ही किया होगा, ऐसे तो करेंगे नहीं। हालांकि वो जो शिप था उस पर फ्लैग जो था वो माल्टा का था, बिल्कुल चाइनीज ये कर सकते हैं कि कोई माल्टा में जाके अपनी चाइनीज शिप को उन्होंने रजिस्टर करा दिया होगा और उसके बाद वो लोगों को धोखा देने के लिए वो इट विल टर्न आउट टू बी अ माल्टन शिप, लेकिन वो चाइनीज कार्गो कैरी करेगा, तो इस तरीके का काम होता है। लेकिन अगर कुछ उसमें होगा ऐसा क्या नाम है डूबियस या डाउटफुल, बिकॉज जो मेरी इंफॉर्मेशन है जो मैंने न्यूज़पेपर से गैदर की है बेसिकली, उसमें तो साफ साफ लिखा है कि इट वॉज बेस्ड ऑन द इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज को कुछ इनपुट दिए गए। चाइना वॉन्ट्स टू प्ले दिस गेम कि वो पाकिस्तान को न्यूक्लियर आर्म करना चाहता है और इंडिया को इस तरीके से वो ब्लैकमेल करना चाहता है, तो ये उनकी मर्जी है। बट ये है कि ये जो कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल जो मशीन है उसने ये डिटेक्ट किया कि वाकई में ये इनपुट तो सही है, ठीक है ना। बाकी देखिए अब इसमें आगे क्या होता है, डीआरडीओ की टीम वहाँ पे ऑलरेडी इंस्पेक्ट कर रही है कंसाइनमेंट को, कि जो उसको कहा गया है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम में यूज होने के लिए वो जो फिसाइल मटेरियल है वो जा रहा था। दी स्टॉपेज ऑफ द पिल्फरेज और स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल्स, न्यूक्लियर आर्म्स, न्यूक्लियर इक्विपमेंट्स, ये उसके लिए बनाया गया है। अब आप अगर उसके मेंबर हो करके और आप न्यूक्लियर स्मगलिंग में इन्वॉल्व हो तो फिर गॉड सेव वर्ल्ड, तो अब ये इसका अब क्या ही किया जाए। पाकिस्तान में अब जो है पुलिस थाने भी सुरक्षित नहीं है। अगर किसी भी देश को हम देखें तो किसी की जनता, आम जनता के ऊपर कोई विवाद आता है, फसाद आता है, कोई समस्या आती है तो सबसे पहले वो भागते हैं पुलिस थानों की तरफ की भाई सबसे सेफ जोन कहीं किसी देश का है, आम जनता की जहाँ तक रीच है तो वो है पुलिस स्टेशन, वहाँ जाओ आपको बच जाओगे, वहाँ जाके आपकी जान बचाई जा सकती है, पुलिस वाले आपको बचाने का काम करेंगे। मगर पाकिस्तान में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं और ना ही पुलिस थाने सुरक्षित हैं। जब उनके ऊपर अटैक्स होते हैं, जब उनके ऊपर सब कुछ होता है तो चीज़ें हाथ से यहाँ पर निकलती जा रही है और कुछ भी हो नहीं पा रहा। बात करी जाए पाकिस्तान के अंदर तो अब BLA और जो TTP है, एक तो एक दूसरे को पूरी एकदम सगे भाइयों से भी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, असली भाई, वैसे पाकिस्तान वाले भाई नहीं लेकिन सगे भाइयों से ज़्यादा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। TTP BLA, हथियार इधर उधर करना हो, मैन पावर इधर उधर करना हो, साथ में प्लानिंग करना हो, साथ में एग्जीक्यूट करना हो, BLA को TTP ट्रेनिंग कहती है क्योंकि TTP के पास में, तालिबानियों के पास में एक्सपीरियंस है कैसे उन्होंने अमेरिका की फौज के खिलाफ जंगें लड़ी, तो उनके पास में जो छापा मार युद्ध नीति है, जो ये गुरिल्ला वॉरफेयर जिसको हम बोलते हैं, उसमें बहुत ही पारंगत हैं TTP वाले, और उसी को ये आगे ट्रेनिंग देते हैं BLA वालों को, तभी BLA इतना हमको मजबूत और सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है। तो दो राज्य
बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा, इसमें इतनी ज्यादा समस्याएं हैं, इतनी ज्यादा समस्याएं हैं। पहले तो कहते थे ना बीएलए जो है खाली ट्राइबल इलाकों में, जो कबीली इलाके हैं वहां पे अटैक करता है, अब तो मेन क्वेटा में नहीं बच पा रहे हैं, मेन पेशावर नहीं बचा हुआ है। पेशावर में एक ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है, पूरे पेशावर की बात कर रहा हूँ, एक ऐसा ब्लॉक नहीं है जहां पर टीटीपी का खौफ ना हो। कई जगहों पे तो बड़े बड़े व्यापारियों से बाकायदा हफ्ते वसूलते हैं टीटीपी वाले, इतनी पावर इनकी बढ़ गई है। यही हाल जो है वो बलूचिस्तान में क्वेटा में इनका बीएलए वालों का खतरनाक खौफ है, हालांकि वो आम पब्लिक को नहीं अटैक करते, ये बस एक फर्क है दोनों में।